प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर कमेंट करके या उस पर तंज कस के कांग्रेस ने एक सेल्फ गोल कर लिया है। दरअसल कांग्रेस ने ये कमेंट एक ऐसे समय पर किया जब राहुल गांधी खुद अपनी नाइट क्लब यात्रा को लेकर सवालों के घेरे में हैं। नेपाल में एक नाइट क्लब में या फिर एक विवाह समारोह में, जैसा कांग्रेस ने कहा, वो देखे गए, जिसके बाद एक सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने इस हमले की शुरुआत की, कांग्रेस ने तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर। हम आपको बताते हैं किस तरह की जंग चल रही है। दरअसल इस पर एक फिल्म मेकर हैं, वो कह रहे हैं कि अपने ही राजकुमार को गाली दे रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा और लोगों ने राहुल गांधी का नाम लेकर कॉमेंट करने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। 25 कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। विदेश में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 65 घंटे का समय बिताने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साल के पहले विदेश दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा तो फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इस पर अपना ट्वीट किया। कांग्रेस के आधिकारिक, सबसे पहले देखिए शुरुआत कैसे हुई, जो कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से ट्वीट किया गया, लिखा गया, देश में संकट छाया है मगर साहेब को विदेश भाया है। देश में संकट छाया है मगर साहेब को विदेश भाया है, ये कांग्रेस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिख रही है। और किस समय पर लिख रही है? जिस समय पर राहुल गांधी चर्चा में आ गए हैं। नेपाल भी विदेश ही है। इसका जवाब देते हुए फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी एक ट्वीट लिखा और इसके बाद में तो फिर एक के बाद एक कॉमेंट की लाइन सी लग गई। उन्होंने कहा, अपने ही राजकुमार को गाली दे रहे हो, क्वेश्चन मार्क। कांग्रेस के इस ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ये तक कहा जा रहा है कि नहीं सुधरेगी कांग्रेस, देश की खातिर पीएम प्रधानमंत्री विदेश दौरा करते हैं, आपकी तरह गुपचुप ऐश करने नहीं जाते हैं। वहीं कई और यूजर्स लिख रहे हैं, आलू से सोना बनाने वाले साहेब कहाँ हैं आजकल। तो ये भी लिखा जा रहा है कि कांग्रेस पर तो 2014 से संकट चल रहा है, फिर बार बार राहुल बाबा विदेश क्यों भागते हैं। इस तरह के बहुत से कमेंट आपने देखा होगा जो ट्विटर हैंडल पर देखने को मिलते हैं। देश में चुनावी बिगुल बजा, उधर राहुल गांधी इटली या बैंकॉक की ओर निकल पड़ते हैं, इस तरह के कमेंट भी आपको बहुत सारे लोगों के पढ़ने को मिलेंगे। राजकुमार कहाँ है, राजकुमार, राजकुमार शब्द का, क्योंकि साहेब शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए आप, यहाँ पर पीएम पर सीधा निशाना नहीं साधा गया, ये कहा गया कि संकट, देश पर संकट छाया है लेकिन साहेब को विदेश भाया है, ये कांग्रेस ने लिखा। तो यहाँ भी कई कमेंट करने वालों ने, निश्चित तौर पे इनमें बीजेपी के समर्थक होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक होंगे, या फिर सचमुच में कई लोगों को जेन्युइनली ये बात चुभी होगी कि आप पहले अपने दामन को देखिए उसके बाद टिप्पणी करिए, और खास तौर पर तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को तो पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो यूरोपीय देशों से मिल रहे हैं, यूक्रेन संकट के दौर में मिल रहे हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों को साधना है। 2016 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी विदेश यात्राएं शुरू हुई थी, तब भी ये प्रश्न उठाया गया था, तब भी भारी पड़ा था। तब कहा जाता था कि प्रधानमंत्री बार बार विदेश चले जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर मिलना है तो आपको विदेश जाकर मिलना होगा। लेकिन ये सारी जो आलोचनाएं थी इनको एक किनारे करते हुए ये साफ हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो विदेश यात्राएं कितने महत्व की थी। एस जयशंकर, जिनका नाम अभी जमकर चल रहा है, काफ़ी वाहवाही उनकी हो रही है, दरअसल उसी समय से वो इन रणनीतियों पर काम कर रहे थे कि कैसे, क्योंकि उनको विदेशी संबंधों की बेहतरीन जानकारी है। रशिया, चाइना, अमेरिका, तमाम देशों में वो रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खूब पसंद करते हैं, वो जानते हैं उनकी काबिलियत को कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कितने अच्छे संबंध उनके रहे हैं, कितनी जानकारियाँ उनके पास रही हैं। आप देख रहे हैं भारत के तेवर भी, भारत हर मंच पर खुलकर बोल रहा है, चाहे वो यूएन के मंच पर हो, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो, चाइना के कोई प्रतिनिधि आते हैं, रशिया के कोई प्रतिनिधि आते हैं, यूरोप में जब प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं तो सबके सामने भारत मंच पर खुले तौर पर बोल रहा है, चाहे वो युद्ध को गलत बताने की बात हो या रशिया से अपनी दोस्ती की बात हो। ये सारी बातें एक ऐसे समय पर हो रही है जब एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी की जो जोड़ी है ये विदेशी रणनीति पर काम कर रही है। और इस सबके बीच कांग्रेस क्या कह रही है, देश पर संकट छाया है और प्रधानमंत्री को विदेश भाया है। ये सेल्फ गोल हो गया और खास तौर पर तब हो गया जब राहुल गांधी खुद नेपाल में एक नाइट क्लब में, या जैसा कि फिर कांग्रेस कह रही है कि एक विवाह समारोह में गए हुए थे, नाइट क्लब में नहीं थे। उस चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, निजी मामला है, नितांत निजी मामला है। लेकिन ऐसे समय पर जब आपकी पार्टी के कद्दावर नेता, जो अध्यक्ष भी रहे हैं, आप अभी भी उनको चेहरा मानते हैं या लोग उनको विपक्ष के नेता के तौर पर देख रहे हैं, उस समय पर इस तरह का कमेंट करना, ये कांग्रेस को सोशल मीडिया पर भारी पड़ रहा है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।